हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आज हम लोग HTML की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं नोटपैड प्लस प्लस में, और इसको डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसकी पहली स्क्रीन ऐसी दिखेगी, और आज हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे क्योंकि मैं बहुत रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से ख़त्म करना है। तो ये वीडियो मुश्किल से 4 या 5 मिनट का बनेगा, तो शुरू करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे, तो पहले मैं बता देता हूँ HTML होता क्या है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे हम अपनी खुद की कोडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली सीरीज़ में प्लेजमो में बताया था, वही चीज़ अगर हम लोग इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे तो हम उसको इसमें भी बना सकते हैं एकदम सेम। अगर हमने HTML अच्छे से सीख लिया तो हम इसमें गेम भी बना सकते हैं खुद का, मतलब जो पबजी और ये सब गेम रहते हैं वो इसी से बनते हैं, इससे या C++ या जावा, मतलब टोटल मिला के ऐसा ही सब कुछ रहता है, बस उसकी कोडिंग लैंग्वेज अलग रहती है। ये देखिए, इधर लैंग्वेज है, इधर अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस हैं, तो इधर से हम कर सकते हैं, लेकिन हमें करना है HTML। तो मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताता जाऊंगा कि इसको कर मतलब इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले आपको HTML की नोटपैड प्लस प्लस खोल लेना है, और फिर उसमें सबसे पहले लिखना है ऐसे, फिर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर डॉक टाइप, फिर इधर HTML। तो मैं इसका आपको मतलब भी समझा देता हूँ ये क्या है। इसका मतलब ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हम बता रहे हैं कि हम ये पेज HTML में लिख रहे हैं, तो वो उस हिसाब से हमारी प्रोग्रामिंग करेगा। तो डॉक टाइप HTML में हमारी प्रोग्रामिंग होगी, ये बताने के लिए हम ये वाली लाइन लिखते हैं। फिर हमें लिखना है HTML, ये HTML का टैग डाल दिया हमने, मतलब जो भी चीज़ें हम इसके अंदर लिखेंगे ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के अंदर, उसे हम टैग बोलेंगे। ये डॉक टाइप HTML का टैग है या HTML का टैग है। अभी नेक्स्ट हमें लिखना है हेड। अब जैसे कि ये HTML और हेड, मतलब ये तीनों लाइन HTML बनाने के लिए मेन है, इसके बिना HTML की प्रोग्रामिंग अच्छे से काम नहीं करेगी। ओ ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हाँ तो गाइस अभी कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा डिलीट हो गया था मुझसे। इसके बाद हमें जैसे कि अपना वेब पेज को टाइटल देना है, तो टाइटल हम दे सकते हैं टाइटल टैग से, TITL टाइटल टैग से हम टाइटल दे सकते हैं। मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, मुझे लग रहा है कि मैंने इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी थी, तो मैं अभी 2 मिनट मैं गूगल करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कौन सी रहती है। गाइस, मैंने इसको अभी इसकी लैंग्वेज चेक की है गूगल पे, इसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, तो इसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है XML। अब जैसी पहली बार इसको ओपन करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगी XML। तो देखिए, जैसे मैंने XML पे सिलेक्ट किया ऐसा सिलेक्शन आ गया, जो भी टैग होंगे वो ब्लू से हाईलाइट हो जाते हैं। अब जैसे मुझे टाइटल देना है माय फर्स्ट HTML, और फिर हम इस टाइटल को क्लोज कर देंगे। इसमें वैसे तो अपर केस और लोअर केस का कोई फ़र्क नहीं रहता, लेकिन तब भी हम इसको कर लेते हैं। तो हम अगला, अभी जैसे हमें सिर्फ टाइटल देना है, तो इसके बाद हम जो हेड वाला है उसको भी क्लोज कर देंगे, और फिर हम HTML को भी क्लोज कर देंगे। तो अभी ये मेरा क्लोज हो चुका है और मैं इसको अभी रन कर सकता हूँ।
और इसको हमें माय फर्स्ट html डॉट html इस एक्सटेंशन को यूज करना है। अगर हम इस डॉट html ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो ये मैंने अभी सेव कर लिया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और अभी मैं देखता हूँ कि ये सेव हो, ये देखिए ये माय फर्स्ट html सेव हो चुका है। अभी हम इसको देख लेते हैं खुल के। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हाँ तो गाइस जैसे कि हमने उसमें कोडिंग की थी कि हमारा टाइटल होना चाहिए माय फर्स्ट html, ये देखिए माय फर्स्ट html, तो यहाँ पे भी माय फर्स्ट html का टाइटल आ चुका है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आपके दोस्त भी html सीखना चाहते हैं कि तो उनको भी ये चैनल शेयर करना, और आपको और भी मतलब आप चाहते हैं कि मैं और फास्ट वीडियोस डालूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए बाय बाय।